अशफाक भाई, पहले पहले तो बहुत मुबारक हो नेशनल चैलेंज कप के फाइनल में पहुंचते हुए, कैसा फील कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम फाइनल में पहुंच गए। बहुत खुशी हो रही है कि हमने पहले से जहन बनाया हुआ था कि इंशाल्लाह हमने आर्मी से जीतना है, तो अल्लाह तआला ने रिजल्ट दिया और अच्छा 1-0 से जीत गए मैच। आर्मी, जैसा कि सब जानते हैं, काफ़ी एक टफ टीम है और बहुत कम्पटिटिव टीम है, तो आपने क्या गेम प्लान अपनाया उनको हराने के लिए? कोच के हमने दो दिन ट्रेनिंग किया हुआ था, स्ट्रेटजी बनाया हुआ था। आर्मी बहुत टफ खेलती है, आर्मी बहुत भागती है, उस हिसाब से हमने ट्रेनिंग किया, उस हिसाब से हमने ग्राउंड में उतरे और उस हिसाब से हमने खेल लिया। कोच स्ट्रेटजी अच्छी होती, उसके हिसाब से टाइम में गोल निकल गया, अल्लाह का शुक्र है कि हमने विन किया मैच। तो जैसे कि आपने कराची यूनाइटेड के खिलाफ एक डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई, हाई आप उन्होंने प्रेशर डाला, ऊपर जाके चढ़ के खेले आप लोग, इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपकी डिफरेंट थी क्या, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें? कराची यूनाइटेड का ये था, कराची यूनाइटेड वन टच टू टच गॉल होल्ड करके खेलती थी, आर्मी का ये था वो लॉन्ग खेलती है, तो हमने उस हिसाब से आर्मी लॉन्ग खेल रही थी, हम नीचे खेल रहे थे, उस हिसाब से हमने आर्मी को थोड़ा टफ टाइम दे दिया। सही सही। और एक चीज़ जो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा और मैंने भी मतलब देखा है और सुना है, आप लोगों की जो टीम है वापडा की, उसकी एक स्ट्रेंथ ये है, एक खूबी ये है कि बहुत फ्लेक्सिबल और जो है ना आप लोग बहुत स्मार्ट तरीके से खेलते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि सही एक तबसरा है? हमारे वापडा में ये कि मैच ज़्यादातर प्लेयर यंग प्लेयर है, सारे अंडर 22, 21, 23 तक, तो इसलिए वो बहुत मेहनत करते हैं और माइंड से खेलते हैं, वो जो बोलता है उसमें अमल करके वो 100% ग्राउंड में देने की कोशिश करते हैं। और क्यों, आप वन ऑफ द टॉप गोल स्कोरर हैं और आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल किए हैं वापडा के लिए, फाइनल में भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा, तो KPT और SSGC में से आप किसको फेस करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से SSG जीतेगी और फाइनल वापडा ही जीतेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।